नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड स्टार के साथ साथ हॉलीवुड स्टार भी हैं, इसलिए उन्हें इंटरनेशनल एक्ट्रेस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी कई शानदार फिल्में दी हैं और उनके पति निक जोनस भी एक इंटरनेशनल स्टार हैं। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से साल 2018 में शादी की थी। उनकी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ये कपल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहता है और अपने रोमांटिक फोटोज भी शेयर करता हुआ अक्सर ही नजर आता है। साथ ही साथ ये कपल भारत के लिए भी चैरिटी डोनेट करता रहता है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस से मदद के लिए भी सोशल मीडिया के जरिए एक फंड जुटाया था, जो कि 22 करोड़ रुपए की रकम है। अभी हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि प्रियंका चोपड़ा के पति एक शो के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा से जुड़े किस्से और कहानियां खबरों का विषय बने हुए हैं। तो आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे प्रियंका चोपड़ा की सालाना इनकम के बारे में। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा एक फिल्म करने के लिए 12 करोड़ रुपए की भारी रकम लेती है। और कितनी है प्रियंका चोपड़ा की सालाना इनकम, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट कपल्स में से एक हैं। साल 2018 के दिसंबर महीने में दोनों ने इंडिया में शादी की थी। दोनों की शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। ये कपल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है। आए दिन ये कपल एक दूसरे की प्यारी फोटो शेयर करता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कपल सालाना कितना कमाता है? खैर, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कपल सालाना 734 करोड़ रुपए कमाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 23.4 करोड़ प्रियंका ने अपनी दो फिल्मों द स्काई इज पिंक और इज नॉट इट रोमांटिक से कमाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका चोपड़ा अपनी हर फिल्म के लिए 12 करोड़ फीस लेती हैं। वहीं प्रियंका ने क्वांटिको वेब सीरीज के लिए हर एपिसोड के लिए 3 करोड़ चार्ज किया। आपको बता दें कि सीरीज में प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में दिखाई दी। किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए वो 4 से 5 करोड़ फीस चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्ट्रेस करीब 1.80 करोड़ रुपए कमाती हैं। इसके अलावा वो एक प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स की मालिक हैं, जिसके तहत उन्होंने मराठी फिल्म वेंटिलेटर का निर्माण किया, जिसने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर के तहत अपनी आखिरी बॉलीवुड फिल्म द स्काई इज पिंक रिलीज की थी। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार पति निक जोनस की कुल संपत्ति लगभग 350 करोड़ की है। सिंगर ने अपने करियर की शुरुआत एक बैंड जोनस ब्रदर्स के साथ की थी। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक निक जोनस अमेरिका में अपने टीवी सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान वो घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालांकि उन्हें कैसे और कितनी गंभीर चोट लगी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रात हॉस्पिटल में रहने के बाद जोनस की रविवार को छुट्टी भी हो गई और वो घर आ गए। बता दें कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा इन दिनों एक दूसरे से अलग हैं। निक जहां अमेरिका में अपने शो की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस से 8700 किलोमीटर दूर फिलहाल लंदन में है कि कोरोना संकट में दोनों ही भारत की मदद कर रही हैं। पिछले दिनों कपल ने सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए करीब $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। प्रियंका और निक की शादी को 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में एक्ट्रेस ने कुछ दिनों पहले एक इवेंट में बताया था कि कब और कैसे उन्हें निक जोनस से प्यार हो गया। वो कौन सी आदत रही जिसे देख प्रियंका को लगा कि निक उनके परफेक्ट पार्टनर हैं? प्रियंका मानती हैं कि निक जोनस काफ़ी मेहनती कलाकार हैं, जो हर किसी को अपना मुरीद कर सकते हैं। एक्ट्रेस की माने तो कोई भी उन पर आसानी से विश्वास कर सकता है। खुद प्रियंका भी उसी एनर्जी की वजह से खींची चली गई थी। प्रियंका ने यह भी बताया कि उन्हें पहली बार निक के लिए फीलिंग तब महसूस हुई जब निक जोनस गॉस्पेल गायकों के लिए एक इवेंट कर रहे थे। उसी इवेंट पर प्रियंका को पहली बार निक से प्यार हुआ था। वहीं निक जोनस मानते हैं कि उनकी प्रियंका संग ज़्यादा मुलाकातें ही हुई थी। 1 साल मिलने के बाद ब्रेक आ गया, फिर दोबारा मिले और फिर ब्रेक। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। निक के माने तो जब वो प्रियंका संग डॉजर्स गेम गए थे और यही वो समय था जब उन्हें प्रियंका के लिए प्यार का एहसास हुआ। उस मुलाकात के 48 घंटे बाद ही दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा था। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं।
प्रियंका ने किताब में अपने उस बॉयफ्रेंड का भी जिक्र किया है जब वो 10th क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी किताब में इस बॉयफ्रेंड का नाम बॉब बताया है। प्रियंका ने बुक में वो किस्सा शेयर किया है जब वो अमेरिका में अपने रिलेटिव के यहाँ रहती थी और स्कूल जाती थी, तब उन्हें लड़के से प्यार हो गया था। प्रियंका ने किताब में बताया कि कैसे एक दिन वो बॉब के साथ मुसीबत में फंस गई थी। प्रियंका ने लिखा, जब मैं 10th क्लास में थी तो अपनी मौसी किरण के साथ इंडियानापोलिस में रहती थी। हाई स्कूल में मेरी मुलाकात बॉब से हुई, जिसने अपनी रोमांटिक अदाओं और मजाकिया अंदाज से मुझे अपना दीवाना बना लिया था। प्रियंका चोपड़ा के मुताबिक बॉब बहुत ही रोमांटिक लड़का था। उसने मुझे चेन तोहफे में दी थी और उससे शादी तक करने को तैयार थी। एक दिन मैं और बॉब मेरे कमरे में थे, हम दोनों काउच पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। मैंने देखा मेरी किरण मौसी घर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। प्रियंका ने आगे कहा, ये देख मैं घबरा गई थी। दोपहर के 2 बज रहे थे और वो उनके लौटने का वक्त नहीं था। उस समय ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे बॉब को बाहर निकाल सकूं। इसके बाद मैंने बॉब को अपनी अलमारी में छुपा दिया। मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ तब तक रहना जब तक मैं अपनी मौसी को सामान लाने दुकान तक नहीं भेज देती। प्रियंका आगे लिखते हैं कि किरण मौसी घर के अंदर आई और कमरों को चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। मैं अपने बेड पर अपनी बायोलॉजी की किताब लिए पढ़ने का नाटक कर रही थी। वो मेरे दरवाजे तक आई और बोली, इसे खोलो। अब मैंने कहा, क्या खोलो? अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोलो। प्रियंका के मुताबिक मैं बुरी तरह डर गई क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मौसी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला और उससे एक लड़का निकल कर बाहर आया। इसके बाद मौसी ने मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती कि उसने मेरे सामने झूठ बोला। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।